भारतीय वायुसेना लद्दाख में चीन सीमा पर लगातार ताकत दिखा रही है। अब उसने रात में भी गश्त तेज की है। सोमवार रात फॉरवर्ड एयर बेस पर MiG-29 एयरक्राफ्ट और चिनूक अपाचे हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई। इससे पहले 3 दिन पहले भी यहां पर Sukhoi-30 MKI और MiG-29 फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी थी। इस मौके पर सीनियर फाइटर पायलट और ग्रुप कैप्टन ए राठी ने कहा कि रात के ऑपरेशन में चौंकाने का भाव होता है। भारतीय वायुसेना आधुनिक संसाधनों और हौसले से भरे जवानों के साथ हर हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित और तैयार है। फॉरवर्ड एयरबेस के लड़ाकू विमानों के अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर रहे हैं। इसमें रूस के इल्यूशन 76 और एंटोनोव 32 के साथ अमेरिकन C-17 C-130J शामिल है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जवानों को अलग अलग जगह पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा हथियार LAC के पास पहुंचाए जा रहे हैं। 15 जून को लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने अभी तक अपने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.